आए हुए हैं सच्चा सौदा आश्रम में, जो बाबा जी का आश्रम है यहाँ पे। इनसे बाबू जी बात कर, सर आपका नाम क्या है? धन धन सतगुरु तेरा आश्रम। हमारा तो इंसान नाम है, ना कोई नाम है ना कोई ठिकाना है, बस इंसान नाम है। यहाँ अपने पिताजी के आश्रम में दर्शन करने के लिए आए थे और दर्शन करके चले जाएंगे, और जब से पिताजी गए हुए हैं वही सारी संगत की भावना बनी हुई है, वही उत्साह बना हुआ है, लेकिन दुख और भारी मन से बना हुआ है। अगर पिताजी हमारे साथ होते, बाहर होते, तो ये हमारे पास हजारों गुना बढ़ जाती है पावर सेवा करने की और काम करने की। करते तो हैं क्योंकि पिताजी का हुक्म है, बेटा सेवा करनी है, नहीं तो हमारा तो दिल ये रोता है और कहता है भाई जिस इस समाज ने हमें क्या दिया। लेकिन पिताजी का हुक्म है, वो हुक्म तो हम ऐसे जैसे एक डेड बॉडी होती है ना, उस डेड बॉडी को जिधर गिरा दो उधर ही चली जाती है, हाथ ऊपर कर दो हाथ नीचे ऊपर चला जाता है, सिर इधर कर दो। हम तो एक किस्म से डेड बॉडी हैं पिताजी के लिए, जैसे वो गिराएंगे जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे, नहीं तो हमारा दिल नहीं करता अब। लेकिन अगर पिताजी बाहर आ जाएं, और हमारी सरकार से भी यही प्रार्थना है पिताजी को बाहर ले आओ, अगर इस देश को बचाना है, इस देश में विकासों की ब्यार लगानी है तो पिताजी को बाहर ले आओ। और हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम तो अपने देशभक्ति के लिए अपने देश के लिए कह रहे। आप ये देखो भाई, शुरू से ही संतों महात्माओं के साथ क्या करना है, गुरु नानक जी ने चक्की पीसी जेल में, लेकिन ईसा मसीह को फांसी दी, कोई भी संत जैसा हुआ उनको बड़ी बड़ी यातनाएं दी, क्योंकि काल का देश है, काल भी हमने जोर लगाता है, दयाल भी हमने जोर लगाता है। जी सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने गुरु जी के बारे में? सरकार से क्या, मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूँगा कि आप देखो, पहले रेप केसों में सजा हुई, भारतीय जुडिशल महकमे में ये पहली सजा है जो एक केस की सजा 10 साल, दूसरे केस की 10 साल। नहीं तो अपराधी होते हैं उनके लिए भी मर्डर करते हैं, बलात्कार भी करते हैं, लेकिन सब केसों की सजा बराबर चलती है। लेकिन ये ऐसा स्पेशल केस क्या बनाया इन्होंने, भाई इनकी सजा भाई 10 साल एक की पूरी होगी, 10 साल उसके बाद होगी, उसके बाद दूसरे मर्डर केस की उम्र कैद शुरू होगी। अरे जिसने 50 मर्डर किए उसकी भी 14 साल में पूरी हो जाती है सजा। तो मैं तो भारत के चीफ जस्टिस से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आपने देश को बचाना है तो इन राजनीतिकों के चक्कर से बाहर आकर अपने देश के प्रति थोड़ा सा सोच कर पिताजी को बाहर ले आओ। और सुप्रीम कोर्ट तो छोटी छोटी बातों पर संज्ञान ले लेता है, या तो बहुत बड़ी बात है या तो देश की बात है। अगर देश के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ करना चाहता है तो स्वतः संज्ञान लेकर उनको बाहर करे, और बाहर करने के बाद देखे नज़ारा लोगों का, कितनी सेवाएं लोग करते हैं। आज 7-8 करोड़ हैं, उनके आते ही संगत इतनी तैयार बैठी है कि कम से कम 25-30 करोड़ साथ लगेंगे। जब 25-30 करोड़ आदमी एक साथ जो भी कार्य करेंगे उसका देखकर अंदाज़ा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस क्या है, कुछ भी नहीं। हमारे पास तो इतनी मैन पावर है, और वो मैन पावर का स्रोत रोहतक जेल में बैठा हुआ है। अगर उसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद ही देख लें कि आप ये देखो, जो बाद में सजा हुई है उस जज ने सिर्फ यही तो पूछ लिया था कि भाई जब गोली मारी आप लोगों ने इनको देखा था, FIR में तो ये लिखा था कि जी हमें पता अननोन आदमी गोली मार दी, अननोन आदमी कुरुक्षेत्र में आकर। लेकिन उस जज ने सिर्फ ये पूछ लिया था भाई जैसे आदमी देखता है वहाँ पे, अननोन उन्होंने कहा हमने देखा था भाई। शुरू में तो आदमी यही लिखवाता कि इसने मारी, लेकिन उस टाइम तो कोई नाम नहीं लिखवा, 4 साल के बाद इस मर्डर केस में नाम आए। तो मेरी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से प्रार्थना है कि तो आप स्वतः संज्ञान लें, देश में क्या हो रहा है, देश किस तरफ जा रहा है, हमारी न्याय व्यवस्था किस तरफ जा रही है। अब भाई एक 50 मर्डर करने वाला उसकी तो सजा 14 साल, और एक 376 की धारा, नहीं वो चाहे अपराध हो चाहे निरपराध हो, ये तो न्यायिक भाषा है, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से भी अगर 376 है, उसके साथ मर्डर है, उसके साथ सजा तो सबकी एक बार चलेगी। ये कोई स्पेशल केस क्यों बनाया इन्होंने कि भाई 10 साल की एक बार चले, 10 साल की एक बार चले, 14 साल की एक बार चले। तो मेरी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से
हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप स्वतः संज्ञान लें और इन केसों को स्वतः देखें। और वैसे भी एक मर्डर केस में अगर 14 साल की सज़ा होती है तो 1/4 सज़ा काटने के बाद ऑटोमेटिकली बेल हो जाती है, लेकिन इस केस में क्या स्पेशल है ऐसा कि भाई उनको 5 साल हो गए हुए और बेल का तो कोई मतलब ही नहीं, कुछ कोई सुनता ही नहीं है। तो मेरी तो बस सिर्फ ये प्रार्थना है जोड़कर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि आप इसमें स्वतः संज्ञान लें, इन केसों को स्वयं देखें, इनमें जो राजनीति भरी हुई है उससे देश को बाहर निकाल लें। देश के विकास में आपका योगदान हमेशा कई पीढ़ियों तक याद रहेगा, सिर्फ इसलिए अगर आपने इन केसों को देख लिया और इनके बारे में लेकर चाहे बेल दो चाहे बाहर निकाल लो जैसे मर्जी, अगर पिताजी यहाँ होंगे तो मैन पावर की तो हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है। 30 करोड़ आदमी जिस काम के लिए चलेंगे, तो क्यों मैंने पहले ही बताया सत्संग में जो बंदा भी यहाँ हमारा है प्रेमी वो लाइक ए डेड बॉडी है, जैसे पिताजी ने कह दिया वैसे चलेंगे। अगर पिताजी ने कह दिया गंगा को सफाई करनी है गंगा की, तो 20 करोड़ आदमी पहुँचेंगे गंगा को साफ करने के लिए, 3 दिन में गंगा को साफ कर देंगे, जहाँ अरबों खरबों पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का नुकसान देश का होता है। और वो सिर्फ नुकसान नेताओं ने अपनी कमीशन लेनी है, उन्होंने देश का नहीं देखना। और आप क्या समझते हैं अब पिताजी वहाँ चले गए, आप ये देखो मीडिया ने क्या क्या नहीं कहा, उस बारे में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में नाम हो गया कि कोई संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा भी है हिंदुस्तान में। वो तो उनकी एक क्रिया है, जितने दिन वो बाहर अंदर रहेंगे उतना ही उनका रुतबा बढ़ेगा, और एक झंडे के नीचे पूरी दुनिया एक दिन आनी आनी है। अब इन नेताओं को देख लो, कोई से नेता ने अंदर कर दो ये तो जनता का रुख उसी की तरफ बढ़ जाता है, भाई बेचारे को अंदर कर दिया भाई वो ठीक कर इसके देंगे, और इनको तो 5 साल हो गए, जितने दिन अंदर रखेंगे उतने दिन इनका रुतबा बढ़ता रहेगा। तो मेरी तो प्रार्थना है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, क्यों राज्य सरकारें तो सारी एक हैं, इन्होंने तो ये है भाई तो समानांतर सरकार चला रहे हैं, बस इन्हें तो इनको अंदर करना। मेरी तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से प्रार्थना है कि आप इनमें स्वतः संज्ञान लें और अपने आप इनको देखें, अगर आपको कुछ दिखाई दे तो बाहर कर दें। ठीक है जी, हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।